नमस्कार, भारत समाचार स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत और मैं आपके साथ हूं प्रशांत। आपके घर बनाने के सपनों पर डाका डालने वालों के खिलाफ हमने ये मुहिम शुरू की है। निवेशकों के दर्द और बिल्डर्स की लूट का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। आपकी बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हम मंच मुहैया कराते हैं और हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक आपको यानी कि निवेशकों को उनका पैसा धोखेबाज बिल्डर वापस नहीं कर देते, क्योंकि दरअसल ये बिल्डर नहीं है, बदमाश कंपनी है। तो बदमाश बिल्डरों के खिलाफ भारत समाचार की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। नोएडा एनसीआर के 6 डकैत बिल्डरों के खिलाफ पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार डकैत बिल्डरों को जेल में कब डालेगी और पुलिस इन धोखेबाजों के खिलाफ इतनी देर से क्यों जागी, ये रिपोर्ट देखिए। डकैत बिल्डरों को जेल भेजो, बिल्डरों की बदमाश कंपनी पर एफआईआर, 6 चोर बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, निवेशकों के चक्रव्यूह की 13 एफआईआर, बेईमान बिल्डर अब जेल जाएंगे। जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तो हर माफिया, हर पैसे वाला गुंडा गिलहरी बन जाता है, तब उसे होश में लाने के लिए गोबर सुहाना जरूरी हो जाता है। तो निवेशकों ने तय कर लिया है कि उन्हें फटे जूते, गंदे मोजे और गोबर के सहारे उन्हें उनकी औकात बताई जाए। दरअसल सरकार की तरफ से जो 3 मंत्री सुरेश खन्ना, सतीश महाना और सुरेश राणा ने निवेशकों और बिल्डरों के साथ बैठक की थी, उसी आधार पर लयमार बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें आम्रपाली और सुपरटेक जैसे चोर बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा सरकार, आप सिर्फ मामला दर्ज कराने का आदेश देकर अपने काम से इतिश्री नहीं कर सकते। इन लयमारों और पैसे के पिशाचों को जेल भेजिए, 60 गांठ से काम नहीं चलेगा और ना ही बेल आउट पैकेज देने से, क्योंकि ये चोर चोरी से तो जा सकते हैं लेकिन हेरा फेरी से नहीं। इसलिए आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को जेल भेजिए, पैसों के पिशाच शिवप्रिया को जेल भेजो, आम्रपाली के निदेशक मोहित गुप्ता को जेल भेजो। निवेशक परेशान है और प्रॉपर्टी का दलाल और निवेशकों के घरों का लयमार अनिल शर्मा मौज काट रहा है। निवेशकों के लगातार प्रदर्शन को 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन मजाल है कि बेशर्म को शर्म आ जाए। वाकई अनिल शर्मा की बेशर्म पलटन बेशर्मी के वो दरख्त हैं जिन पर जहर का भी कोई असर नहीं होता। अनिल शर्मा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों में अनिल शर्मा इतना बड़ा लयमार और चोर है, इसे आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि 6 लयमार बिल्डरों पर जो 13 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, उनमें से 8 एफआईआर सिर्फ आम्रपाली पर दर्ज कराई गई हैं। बिसरक थाने में आम्रपाली पर 7 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। सेक्टर 49 में आम्रपाली के खिलाफ 1 एफआईआर दर्ज हुई है। ये आम्रपाली के वेरोना हाइट्स प्रोजेक्ट से ताल्लुकात है इसके, जिसका मतलब घर अभी बने नहीं है, 10 साल, मतलब 4-5-7 साल हो गया घर शुरू हो गया प्रोजेक्ट, और अभी तक जो है 20% भी काम नहीं हुआ। अभी तक करीब 100 लोगों ने एफआईआर दर्ज करा चुके थे, जिसमें से हम एक साथ और 250 लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला। इसके अलावा कई और बेईमान बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुपरटेक वाले आरके अरोड़ा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, अल्पलाइन रियलटेक बिल्डर पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, ध्रुवाई बिल्डर पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, टुडे होम बिल्डर्स पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और जीएनसी डेवलपर्स पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये बात निवेशकों के लिए थोड़ी तो राहत है, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश के नकारा सिस्टम और अथॉरिटी के बेईमान अफसरों के लिए शर्म की बात है कि निवेशक सालों से अपने आशियाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग बेईमान बिल्डरों के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पुलिस भी तब जागी
जब मंत्रियों ने मामला दर्ज कराने का आदेश एसएसपी लव कुमार को दिया। अब पुलिस को उसका काम याद आया तो डकैत बिल्डरों पर धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जिसमें से 8 जो हैं वो आम्रपाली के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर हैं, 5 अभियोग अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं अन्य बिल्डर्स के उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, और इस तरीके से कुल मिला के 13 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, अलग अलग बिल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन निवेशकों के पैसों पर कुंडली मार कर बैठे बेईमान बिल्डरों की बेशर्मी देखिए। ये चोर कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, प्रोजेक्ट जल्द पूरे कर लिए जाएंगे और सरकार ने इन्हें भी मदद का भरोसा दिलाया है, यानी हमारा पैसा तुम मारो और फकीर भी तुम ही कहलाओ। सड़कों पर चप्पलें हम घिसें, अपने घर के लिए प्रदर्शन हम करें, सिस्टम से लेकर तुम्हारे जैसे चोरों से मिन्नतें हम करें और सरकार साथ तुम्हारा दे, गजब की साठगांठ है। मैंने अमरपाली वरुणा हाइट में 5 साल पहले बुकिंग कराई थी। आज स्थिति ये है कि मेरा 60% पैसा जाने के बाद सिर्फ 10% काम हुआ है, और हम लगातार अमरपाली ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ दिनों से उनके ऑफिस बंद है, साइट में 2 साल से काम बंद है। इसके लिए हमने यहाँ पे शासन से भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि शासन ने सुनवाई की है, उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि अब FIR दर्ज होंगी, जो कि पहले नहीं हो रही थी। उसी के क्रम में हमने आज अपनी FIR दी है हमारे एसोसिएशन की तरफ से। तो कितने लोगों ने FIR दर्ज कराई है? आज हम लोगों ने 250 का एक एसोसिएशन है वो दिया है। इसके बाद जो 7,500 जो बायर्स हैं वो धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। बताइए कितने बड़े डकैत हैं ये बिल्डर, निवेशकों की कुल रकम का 90 से 95% पैसा डकार कर बैठे हैं और प्रोजेक्ट का काम अभी तक 20% भी पूरा नहीं हुआ है। बिल्डरों की बेईमानी से तिलमिलाए बैठे बायर्स का अब सब्र का बांध टूट रहा है। तो ग्रेटर नोएडा के बिसरत कोतवाली में तकरीबन 250 निवेशकों ने जाकर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लेमार बिल्डर जेल कब जाएंगे सरकार? क्योंकि मान लीजिए अगर इन्होंने जैसे तैसे आपकी कृपा से निवेशकों को उनका घर दे भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि अपनी ठगी की प्रथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे? तो सरकार बेचारे निवेशकों पर रहम कीजिए और इन डकैतों को जेल की बैरक में डालकर जमकर कूटिए। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, क्योंकि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। भारत समाचार की मुहिम का असर अब दिखने लगा है। जहां आम्रपाली पे 8 FIR दर्ज हुई, तो वहीं 5 अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी धोखाधड़ी के मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है। FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन कार्यवाही पुलिस को करना है। हालांकि पुलिस अभी भी असमंजस में पड़ी हुई है कि कार्यवाही करें या ना करें, और जांच करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी के जो आश्वासन था उससे कहीं ना कहीं निवेशक अभी भी आश्वस्त नहीं हुए। इसीलिए लगातार सड़कों पर प्रदर्शन जारी है और आज शव यात्रा भी निकाली गई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्यों आश्वस्त नहीं कर पा रही है निवेशकों को, और नोएडा पुलिस क्या कर रही है, क्यों इन बेईमान बिल्डरों को गिरवानों में हाथ डालने पर मजबूर हो रही है, आखिर क्यों इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। भारत समाचार की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक भोले भाले निवेशकों को उनको अरमानों का घर नहीं मिल जाता। भारत समाचार के लिए दानिश अजीज, नोएडा। तो FIR दर्ज हो गई, कार्रवाई करना ना करना पुलिस पर है। मंत्रियों ने आदेश दे दिया, लेकिन इन सब से क्या निवेशकों को उनका आशियाना मिल गया? बिल्कुल नहीं। इसीलिए निवेशकों ने फिलहाल शांत होने का मूड बना नहीं रखा है। तभी निवेशकों ने सरकार, सिस्टम और बिल्डरों के विरोध में आम्रपाली के सेक्टर 62 वाले दफ्तर से लेकर नोएडा स्टेडियम तक अपने अरमानों की आज अर्थी यात्रा निकाली। अर्थी, श्मशान, नारेबाजी और गुस्से से आग बबूला ये लोग। कभी देखा है शव यात्रा में महिलाओं को जाते? आपने कभी किसी को खुद की हत्या करवाते देखा है? कभी किसी को अपने अरमानों की अर्थी सजाते देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए, इन तस्वीरों को आप भी देख लीजिए और सरकार आप इन्हें अपनी उपलब्धियों की डायरी बनाकर सहेज लीजिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे दुर्लभ तस्वीरें हैं। अपने कंधों पर अपने अरमानों की अर्थी की तस्वीरें हैं ये।
मर चुके सपनों और मर चुके सिस्टम की अर्थी की तस्वीरें हैं ये। तस्वीर एक है लेकिन इन तस्वीरों में हजारों निवेशकों के सपनों की हत्या, लूट और फरेब का पूरा ग्रंथ छपा हुआ है। आवाजें, उम्मीदें, आशाएं, मांगे कि साहब हमें हमारा घर दिला दो, सपनों का आशियाना दिला दो। दरअसल इन लोगों के घर का सपना टूट गया है। बेशर्मा आम्रपाली का मालिक अनिल शर्मा इन्हें लूट गया है। मोदी जी मन की बात करते हैं, ये कभी उन्होंने ये कहा कि इन लोगों के साथ इतनी बड़ी खराबी हो रही है, इनको पकड़ा जाएगा? इनको इनको इस बात की चिंता है कि आज ये सफल कर दें, रिसफल करें ताकि 19 में हम इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन हम जो उनको वोट देते हैं उनके लिए वो क्या सोच रहे हैं, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, सरकार को, आम्रपाली को नहीं। आम्रपाली तो चोर है, ये पिछले 7 साल से पता चल गया कि 7 साल से लोगों का डिलीवर नहीं किया। ये अर्थी, हमारे अरमानों की अर्थी हम लोगों को तो बता ही रहे हैं। बायर्स की, बायर्स के पास अब कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि वो अब सुसाइड करना शुरू करें। दुनिया में सबसे खतरनाक होता है सपनों का टूट जाना, अरमानों की मौत हो जाना। सड़कों पर उतरी ये भीड़ उन अरमानों की है जिनके सपने आम्रपाली बिल्डर की ऊंची ऊंची इमारतों में कैद हो गए हैं, और ये उन्ही अरमानों की अर्थी है जिनका गला आम्रपाली के मालिक लयमार अनिल शर्मा ने जीते जी घोट दिया। पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे निवेशकों ने अब सरकार और प्रशासन की उदासीनता को देख नोएडा की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। आम्रपाली बिल्डर के सैकड़ों निवेशकों ने सेक्टर 62 स्थित आम्रपाली के दफ्तर से लेकर नोएडा स्टेडियम तक अपने अरमानों की अर्थी निकाली। सैकड़ों निवेशक अरमानों की शव यात्रा में अनिल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हमने पैसा दिया एफबीए एग्रीमेंट के तहत, एक एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड हो रखा है, एक एग्रीमेंट के हिसाब से जब हम किसी कंपनी को पैसा देते हैं तो गवर्नमेंट को क्या प्रूफ चाहिए कि ये लोगों के साथ धोखा हुआ है? 2010 में आके इन्होंने पैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 14 में डिलीवर होना था, 17 हो गया है, 17 के बाद 19 फिर कर रहे हैं। उस एग्रीमेंट को जब उन्होंने नहीं माना है तो क्यों ये लोगों को यहाँ आके आने के बाद फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है? बोल दिया 2 साल और आगे जाएंगे। वहीं आम्रपाली के निवेशकों का कहना है कि आज उन्होंने अपने अरमानों की अर्थी निकाली है, इसके बाद भी अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और उन्हें उनका घर नहीं दिलाती है तो वो आगे आत्मदाह भी करेंगे। उनकी ये लड़ाई अब और उग्र होती जाएगी, और जब तक सरकार उन्हें उनका घर नहीं दिलवाती उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। 22 दिनों से लगातार नोएडा में जगह जगह बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आम्रपाली के खिलाफ मंत्रियों के आदेश के बाद पुलिस में मामला भी दर्ज किया जा चुका है, बावजूद इसके निवेशकों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्योंकि बेईमान बिल्डरों ने इनके सपनों पर डाका डाला है, सालों तक टरकाया है, और इन्हें इनकी करतूत पता है कि इन डकैतों के लिए FIR के कोई मायने नहीं है। पैसों के हैवान ये बिल्डर पुलिस और प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं, तो सरकार इन पर नहीं कम से कम इनकी अरमानों की अर्थी पर तरस खाइए और चोरों को जेल भिजवाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब निवेशकों के आत्मदाह और आत्महत्या के दोषी आप ही होंगे, और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो समय रहते इनको इनका घर दिलवा दीजिए। भारत समाचार के लिए नोएडा से दानिश अजीज की रिपोर्ट। तो अरमानों की अर्थी निकाली जा रही है, 22 दिन से निवेशक लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। 3 मंत्रियों को भेजा 30 और 31 अगस्त को, ज्ञान बांटा 2 दिन इधर उधर, कोई काम नहीं। जनता वैसे ही, निवेशक वैसे ही सड़कों पर हैं, सुनवाई कोई नहीं है। बावजूद इसके निवेशक अब प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पूरे नोएडा में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, धमकी दे चुके हैं कि अगर अब मांगे नहीं मानी गई तो अब आत्मदाह किया जाएगा। सरकार इनकी तरफ सुनिए, देखिए, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है अपने एक आशियाने के लिए। थोड़ा सा भावनात्मक रुख आपको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक एक पाई जोड़ करके इन लोगों ने अपने घर का सपना देखा था वो दरअसल हैवान बिल्डरों का निवाला बन गया है। तो इस तरीके के बिल्डर्स हैं आम्रपाली जैसे बिल्डर,
8-8 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और बिल्डर को पता ही नहीं कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे बड़ी बात बेशर्मी की हद होती है। ना पुलिस ने ये जरूरत समझी वहां जाने की, कार्रवाई करने की, पूछताछ करने की, और ना सरकार ने दोबारा हालचाल लेने की कोशिश की कि अगर एफआईआर दर्ज हुई तो कार्रवाई कहां तक आगे पहुंची। बड़ा सवाल है। तो एफआईआर दर्ज कराने से सरकार आपका काम नहीं हो जाता, आपके अपने काम की तिश्री नहीं हो जाती है। आपको बिल्डर्स पर तगड़ा शिकंजा कसना होगा, तभी निवेशकों को उनका घर वापस मिलेगा। दरअसल इनकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, ये डांट फटकार से काम नहीं चल पाएगा इसे। तो आज आम्रपाली के सैकड़ों निवेशकों ने सेक्टर 62 से लेकर के नोएडा स्टेडियम सेक्टर 19 तक प्रदर्शन किया, अपने अरमानों की अर्थी निकाली। और इस वक्त हमारे संवाददाता दानिश अजीज नोएडा से सीधे जुड़ गए हैं। दानिश, पूरी खबर बताइए, निवेशकों की समस्याएं बताइए, उनसे बातचीत करके उनका दर्द साझा कीजिए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए लगातार जो है हम इस मुहिम को चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से बाकायदा कमेटी गठित हुई और 2 दिन मैराथन बैठक चली बिल्डरों के साथ और निवेशकों के साथ। लेकिन निवेशकों को जो आश्वासन मिलना चाहिए और जो तरीका बताना चाहिए वो मंत्रियों की तरफ से नहीं बताया गया। ये कह दिया गया कि हाँ 2 साल में हम पजेशन डिलीवर कराएंगे, जब काम ही कई जगह शुरू नहीं हुआ है तो आखिर पजेशन कैसे मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जेपी का कह दिया गया कि हर माह 600 फ्लैट दिए जाएंगे। इसी वजह से जो आम्रपाली का प्रदर्शन है, जो सेक्टर 62 उसका जो कैंप जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पर जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। आज जो है जमकर प्रदर्शन किया गया, जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, यहाँ से बाकायदा अपने अरमानों की अर्थी, क्योंकि इसको नाम इसलिए अरमानों की अर्थी दिया गया है क्योंकि जो सपना एक देखा था निवेशकों ने कि हाँ वो उनका एक मकान होगा हाईटेक शहर नोएडा में, वो उनके मकानों की एक तरीके से अर्थी निकाली गई। तो यहाँ से लेकर सेक्टर 12-22 तक वो अर्थी निकाली गई, फिर आके यहाँ पर पुतला फूंका गया, उसका दहन किया गया। तो जितने भी निवेशक हैं वो इतना परेशान हैं कि छोटे छोटे बच्चे बच्चों को लेकर यहाँ पर जो है बहुत सी माएँ बैठती हैं, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लगातार यहाँ पर बैठती हैं। बहुत से निवेशक हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या समझते हैं जो आज अरमानों की अर्थी उन्होंने निकाली है, क्या इससे भी इनका कुछ भला होने वाला है। सर ये बताइए, जिस तरह अरमानों की अर्थी आपने निकाली, क्या इससे कुछ भला होने वाला है? अभी तो कुछ ऐसा लगता नहीं कोई भला होएगा, क्योंकि जो हमें उन्होंने रोड मैप कुछ दिया नहीं है, फंडिंग का कुछ बताया नहीं है कि कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह से ये तैयारी की जाएगी। उन्होंने सिर्फ एक हमें मीठा सा एक लॉलीपॉप दिया है कि 2 साल के अंदर आपको मकान दे देंगे। सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन सा बिल्डर को बिल्डर होगा, किससे होगा, तो वो सारा रोड मैप मालूम होना चाहिए कि कौन सा बिल्डर आ रहा है और फंडिंग कौन करेगा। अभी तो हमें एक लॉलीपॉप है, आश्वासन। देखिए प्रशांत, लॉलीपॉप है, लगातार भारत समाचार इस बात को बता रहा है कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हाँ आपको ये मिल जाएगा, लेकिन उसका एक्शन प्लान क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ये किसी भी एक निवेशक को नहीं बताया गया है। मैम ये बताइए, आज आप लोगों ने अर्थी निकाली, क्या सोच के निकाली और किस तरह आपके अरमानों का खून हुआ है? सर हमारे अरमानों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सुन तो रही नहीं है, तो हमने हमारी गवर्नमेंट सुन तो रही नहीं है, तो अब तो हमारे अरमानों का खून ही हो रहा है, तो इसलिए हमने अरमानों की अर्थी निकाली। क्योंकि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारे अरमान तो लूट रहे हैं ना, हमारे अरमान मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, हमारे बच्चे, हम सब एक तरीके सड़क पे आ गए, हमारा घर तो लूट गया है, घर तो ले लिया है आम्रपाली ने, तो फिर इसी वजह से हमने अपनी ये अरमानों की अर्थी अपनी निकाली है। क्या लगा जब मंत्री आए थे जो वादा करके गए? सर वो तो उन्होंने खाली हमें झूठे आश्वासन दिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया है। उन्होंने झूठा समझ लीजिए एक मीठा लॉलीपॉप दिया है और इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि वो हमें बताए कि हमारे कौन से को डेवलपर आ रहे हैं और उनको वो ऑथराइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, और वो फंडिंग कहाँ से लाएंगे, वो ये सब हमें सवालों के जवाब चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए वाकई बहुत ही वाजिब ये सवाल जो किए जा रहे हैं निवेशकों की तरफ से, ये वाकई वाजिब सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा इनका लगा हुआ है, आज जो सड़कों पे उतरे हुए हैं ये उतरे हुए हैं, इनको वजह क्यों नहीं बताई जा रही कि आखिर, क्योंकि बिल्डर और मंत्री ने अकेले में बैठ के बात करी, उनकी क्या मीटिंग हुई और बाद में मंत्री जी ने बयान दे दिया कि हाँ 2 साल के अंदर आम्रपाली जो है फ्लैट देगा, जेपी 600 फ्लैट हर माह देगा नवंबर से, तो उसका एक्शन प्लान क्या होगा, फंड कहाँ से आएगा, तरीका क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया गया। तो
कहीं ना कहीं लॉलीपॉप, क्योंकि निवेशक भी अब लॉलीपॉप ही मान रहे हैं। सर धरना जारी है, कमेटी मिली आपसे, फिर भी क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या रहा? देखिए, जब से योगी सरकार आई है तब से बायर्स में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि हमारा घर मिलेगा, और उसके हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं जिसके अगेंस्ट में कमेटी भी बनी। बट हम लोग देख रहे हैं कि इस बीजेपी की गवर्नमेंट में भी योगी जी केवल कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं, लेकिन एक्शन कहीं से भी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग बायर्स ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में 3 मिनिस्टर्स की कमेटी बैठी थी, उसमें हम लोग मिले भी थे, और हम लोगों को उम्मीद थी कि वो हमें एक राहत पैकेज देंगे और रिटर्न में आश्वासन देंगे, लेकिन वो भी एक घुमा फिरा कर बेल पैकेज बिल्डर्स की बात हो रही है। हमारी इस मुहिम का फायदा बिल्डर्स को देने की कोशिश की जा रही है। रही बात 2 साल तक घर देने की, तो अम्रपाली भी 2 साल से तो बोल ही रहा है कि हम घर बना के देंगे। इवन आज भी आप अगर बात करोगे तो वो यही बोलता है, सीएमडी यही बोलते हैं कि हम घर बनाएंगे, लेकिन घर में घर बनाने की आप बात छोड़िए, 2 साल से साइट पर काम नहीं चल रहा है, और कौन देखेगा आप 2 साल बाद, क्या गारंटी है? हमारा हमें लिखित में आश्वासन चाहिए था। और इंसॉल्वेंसी का भी केस बिल्डर्स के अगेंस्ट चल रहा है। इंसॉल्वेंसी के केस में अथॉरिटी को अगर बिल्डर्स पैसा नहीं देता है उस केस में उसकी ज़मीन को कैंसिल कर दिया जाता है, अथॉरिटी अपना ज़मीन वापस ले लेती है, और बैंक्स का अगर लोन बिल्डर्स क्लियर नहीं करता है उस केस में बैंक उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करती है। लेकिन यहाँ पे बायर्स पूरी अपनी जीवन की कमाई लगाकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो किसकी ज़मीन जब्त करे और किसकी ज़मीन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। भारत समाचार लगातार इस बात को उठा रहा है कि बैंक का नुकसान होगा, बैंक भरपाई कर लेगी। जिस तरह जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं कॉरपोरेट ऑफिस है, ये टावर नंबर 2 पहले से ही कब्जा हो चुका है, ऑफिस ने किया था, फिर उसके बैंक ने किया था, उसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण ने कब्जा कर लिया। बैंक अपना कब्जा ले लेगी, अथॉरिटी अपना जो है पैसा वसूल लेगी, लेकिन निवेशक कहाँ जाएंगे? उनको सिर्फ और सिर्फ जो है बता दिया जाता है कि 2 साल में पैसा मिल जाएगा। तो कमेटी भी जो है आई थी उससे कहीं ना कहीं अगर टेक्निकली तौर पर देखें तो निवेशक जो है पूरी आश्वस्त नहीं, उनको आश्वासन जो मिला उसके ऊपर सहमत नहीं हुए हैं और लगातार जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। सरकार ने कोई भी ऐसा एक्शन प्लान निवेशकों के लिए नहीं बनाया जिसको ये कहा जा सके कि लिखित में दिया जाए, क्योंकि बिल्डर तो समय मांगेगा ही। बिल्डर ने 2 साल का अगर समय मांग लिया है तो उसको तो वो समय मांग ही रहा है, वो लगातार वो मांगता चला आ रहा है, तो सरकार ने भी समय उसको दे दिया है। जो है तैयार हैं फ्लैट उनकी भी कोई बात नहीं करी गई, जो है फ्लैट अभी बनने वाले हैं उनकी भी कोई बात नहीं करी गई। तो कई ऐसी टेक्निकल पॉइंट है जिसमें आम लोगों को जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। सर ये बताइए, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसका अंत कहाँ होगा? मुझे लगता है इसका अंत कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। हम पिछले 20 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट पे है और सिर्फ वर्बल एश्योरेंस मिल रहा है और ऑन साइट कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इन फ्यूचर हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। अब हमें इन्होंने एक और लॉलीपॉप दिया है, इन्होंने मिनिस्टर्स ने बोला है हमें 14th या 15th को हम कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं। लेट अस होप, अभी हमें उस पर उम्मीद है कि अगर वो कुछ करते हैं उस दिन 14-15 को, नहीं तो हमें लगता है कि हमें अमरन अनशन करना पड़ेगा। अब वही एक होप हमारे पास बचा है। बिल्कुल प्रशांत, 14 और 15 सितंबर को फिर से मंत्री जी यहाँ पर आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब रही, कोई भी नतीजा उसका नहीं निकला। 14 और 15 सितंबर को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो निवेशकों का दर्द है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मीटिंग हुई थी तो 30 और 31 अगस्त में मंत्रियों ने 2 दिन की मीटिंग की, और 2 दिन में सिर्फ आम्रपाली, सुपरटेक और जेपी जैसे लुटेरों की ये अनंत कथा पढ़ पाए हैं, वो भी पूरी नहीं पढ़ पाए। उसके बाद जो छोटे बिल्डर्स हैं उन्होंने भी कुकुरमुत्तों की तरह अपना जाल फैला रखा पूरे दिल्ली एनसीआर में। सवाल ये है कि ये जब इन्हीं की सुनते रहेंगे तो वो जो 3.5 लाख जो निवेशक हैं उनका क्या होगा, उनकी कौन सुनेगा? इतना समय नहीं है ना सरकार के पास और ना निवेशकों के पास। आप जानते हैं कि पूरे नोएडा में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल प्रशांत, बड़ी बात तो यही है कि यहाँ जो शिकायतें आईं उसमें जो है 1 लाख ऐसी शिकायतें थीं जो छोटे छोटे बिल्डर हैं उन लोगों ने भी ऐसा मकड़जाल जो है बना रखा है कि उन लोगों ने लाखों लोगों को ठग लिया, उनकी शिकायतें तक नहीं सुनी गई हैं। और अभी चूंकि जब आप पहले वाला मसला नहीं निपटाए हैं तो जो छोटे बिल्डर हैं उनका मसला कैसे निपटा लेंगे? ऐसे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बिल्डर हैं जिन्होंने बड़े बिल्डरों को देखा देखे, क्योंकि बड़े बिल्डर फ्रॉड कर रहे हैं तो छोटा कैसे चूक जाए, जो बड़े अगर बिल्डर लूट कर रहे हैं तो छोटा बिल्डर कैसे जो है लूट ना करे। तो यही सब
चीजें हुई और इसके बाद अब जो 14 और 15 तारीख रखी गई है तो इसका क्या जो है मतलब निकलता है कि जो पहली मीटिंग में आप जो इतने बहुत से बायर्स मिलने पहुंचे थे उनसे आपने मुलाकात करी लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो जब 14 और 15 को मीटिंग होगी तो क्या इसका नतीजा निकलेगा? और जो छोटे बिल्डर हैं जिन्होंने 3.5 लाख लोगों को बेवकूफ बनाया है और उनकी जो जमा पूंजी थी वो लूट ली है, उनके खिलाफ क्या एक्शन प्लान हो सकता है? FIR जरूर दर्ज करने की जो है कार्यवाही शुरू करी गई है। कल निवेशक परेशान है, हैरान है, सड़कों पर उतरे हैं, अर्थियां निकाल रहे हैं अपने अरमानों की, सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्डर्स की बदमाश कंपनी लगातार अपनी गुनाहों की इबारतें लिख रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही, आश्वासन दे रही है। आज की बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे बदमाश बिल्डरों की कुछ नई किताब, अपराधों की कुछ नई कड़ियों के साथ। नमस्कार।